नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। आप देख रहे हैं एस्ट्रो ओपीडी। इसी प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूं। स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, दिक्कतें हैं, नौकरी से दुखी हैं, घर से दुखी हैं, हाँ हैं। बहुत सारे एंड्स जिंदगी के ऐसे हैं, ऐसे सवाल पूछेंगे तो हाँ ही मिलेगी। परेशान हैं, बच्चे से परेशान हैं, तो वो चीज़ जो है हम हावी होने दे रहे हैं अपने आप पे। हमें ऐसा लगना शुरू हो गया है कि सब कुछ नेगेटिव है, पॉजिटिव तो जैसे कुछ होना ही नहीं, होगा ही नहीं कुछ पॉजिटिव। हमें ये लगना शुरू हो गया है। हमको ये लगता है कि जितने हम दुखी हैं, हमारे जितना दुखी तो कोई हो ही नहीं सकता। हमें ये लगना शुरू हो गया है कि अब इस चीज़ का अंत होना ही नहीं, दिक्कतें हैं, दिक्कतें रहेंगी। उससे क्या हो गया? स्ट्रेस लेवल हाई हो गया, कंपटीशन बढ़ गया है। मेरा बच्चा उतना अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहा जितना कि उसका बच्चा परफॉर्म कर पा रहा है? मेरे नंबर इतना पढ़ने के बावजूद इतने क्यों नहीं आ रहे जितने उसके कम पढ़ने के बाद आ रहे हैं? मेरे इतने पढ़ा लिखा होने के बावजूद मुझे वो नौकरी क्यों नहीं, वो पोस्ट क्यों नहीं मिल रही जो कि मेरे से कम क्वालिफिकेशन वाले को मिल रही है? स्ट्रेस होगा, जाहिर तौर पर होगा। ऐसे सवाल जब मन में उठेंगे तो स्ट्रेस होगा। स्ट्रेस नहीं होगा तो और क्या होगा? बात यह है कि जब हम सिचुएशंस को चेंज नहीं कर सकते तो उन्हें एक्सेप्ट करने में भलाई होती है। ये तो हो गई फिलोसफिकल बात। अब एस्ट्रोलॉजी इसमें क्या कहती है? हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, कारण कोई भी हो, ये आप मानते हैं कि हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, ये आप मानते हैं कि हमें रातों को नींद नहीं आती, ये आप मानते हैं कि स्ट्रेस लेवल इतना ज्यादा हाई है कि हमने जीना छोड़ दिया है। जी रहे हैं, मतलब चल रहा है सब कुछ, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि जी नहीं, उल्लास से नहीं जी रहे हैं, मुस्कुराहटें खत्म हो गई हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में देखिए, लोग हंसना ही भूल गए हैं। क्यों? क्या कारण है? उन्हीं कारणों के ऊपर आज जाएंगे। यूट्यूब पे आप हमारा चैनल देख सकते हैं, गुड लक रिपोर्ट पे भी बात होगी, और टिप ऑफ द डे जो है वो तो हमने आपको देनी ही है। वैसे तो पूरा प्रोग्राम ही टिप्स का होता है, लेकिन वो जो एंड वाली टिप होती है ना, वो बड़ी खास टिप होती है। उसके लिए भी आप जुड़े रहिए। प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। सुनील जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सुनील जी। इतनी ज्यादा स्ट्रेस है जी, इतनी ज्यादा टेंशन है, आत्महत्या तक स्टेज आ जाती है, लोग कर भी लेते हैं जी। कर्जा है, स्ट्रेस में है, नहीं पता है कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं, आत्महत्या कर लीजिए, भूल जाइए, पीछे बच्चे हैं, माँ बाप है, बीवी है, सब भूल जाइए। फिर उसके बाद नंबर ज्यादा नहीं आते, दसवीं के बच्चे सुसाइड करने लगते हैं, स्ट्रेस लेवल इतना ज्यादा हाई है जी। तो एस्ट्रोलॉजी स्ट्रेस के बारे में कहता क्या है और इसको हल कैसे किया जा सकता है कि इतना स्ट्रेस ना ले हम? करेक्ट, आप बहुत सेंसिटिव आपने आज टॉपिक उठाया पुनीत जी, अप्रिशिएबल है बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत लोगों के काम आने वाला है ये। कुछ भी बताने से पहले मैं आपको एक लॉजिक समझा दूं कि लॉजिकली ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। नो डाउट आज की डेट में परिवार छोटे हो गए हैं, जिम्मेवारियां बढ़ गई हैं, खर्चे बढ़ गए हैं, स्कूल की अगर फीस देनी हो, कई बार तो लोग कहते हैं कि सर हमारे पास फीस के पैसे भी नहीं है, बच्चों को उठाना पड़ गया क्योंकि खर्चे हमारे बहुत बढ़ गए हैं। कुछ हमने बढ़ा लिए हैं, कुछ हमारा लाइफ स्टाइल हमारा चेंज हो चुका हुआ है, और कुछ हमने अपनी ज़िंदगी को उलझा के रख लिया है। क्यों होता है स्ट्रेस? रीज़न उसका क्या रहता है? आपकी कुंडली के अंदर रीज़न क्या रहता है? अगर आपके घर में कोई भी इंसान स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, डिप्रेशन की मेडिसिन खा रहा है, साइकेट्रिस्ट से इलाज ले रहा है, आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाके आप कंसल्टेशंस ले रहे हैं, तो आप आज अपनी कुंडली खोलिए, उस इंसान की कुंडली खोलिए और ये चीज़ें मैच कीजिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपको खुद महसूस होगा कि ज्योतिष में ये सब चीज़ें ऑलरेडी मेंशन थी। बुध और चंद्र ये बहुत ज़्यादा मेजर रोल अदा करते हैं स्ट्रेस में और डिप्रेशन में, और इंसान आइसोलेट हो जाता है, चुप चुप रहना शुरू हो जाता है, समाज से कटना शुरू हो जाता है, और इतना कट जाता है कि एक बार गलत स्टेप ले लेता है कि मुझे इस दुनिया में कुछ नहीं करना, मैं करने के आया हूँ, तो वो गलत स्टेप लेके दुनिया को अलविदा कर देता है। बुध चंद्र का कॉम्बिनेशन, बुध केतु का कॉम्बिनेशन, बुध शनि का कॉम्बिनेशन, शनि की सारस्वती, शनि का ढैया, या ऐसा कोई वेयर्ड कॉम्बिनेशन, शनि की चंद्र के ऊपर दृष्टि, केतु की चंद्र के ऊपर दृष्टि, केतु के का चंद्र के ऊपर से गोचर, शनि का चंद्र के ऊपर से गोचर, और बुध का चंद्र के ऊपर से गोचर, या वाइस वर्सा, इस केस में स्ट्रेस लेवल आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों? मैं चंद्र को, आपने एक चीज़ नोट की होगी, अगर नहीं की है तो अब कीजिए, मैंने हर ग्रह के साथ चंद्र को मैच किया, मैंने तीन ग्रहों का नाम लिया और उसके साथ तीनों में चंद्र का नाम लिया। क्यों चंद्र? क्योंकि चंद्र आपका मन है, और जब मन आपका, ये जो माइंड है,
ये अनस्टेबल होता है तब ऐसे स्टेप लिए जाते हैं। ये अनस्टेबल कब होता है? जब चंद्र खराब होते हैं। चंद्र है क्या? चंद्र वही चंद्रमा है जो आप रात को आसमान में देखते हैं। एक चीज नोट कीजिएगा, जब भी चंद्रमा जब पूर्णमासी होती है, जब चंद्रमा धरती के बहुत ज़्यादा क्लोज आता है, तब ऐसी एक्टिविटीज़ ज़्यादा बढ़ जाती हैं। कई देशों में आंकड़े बोलते हैं कि क्राइम बढ़ जाता है, कई देशों में सिक्योरिटी टाइट कर दी जाती है साइंटिफिकली इस चीज़ को मानते हुए कि चंद्रमा जो है वो जब नज़दीक आता है तो समंदर के अंदर जो उछाल होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। समंदर की लहरों में बहुत ज़्यादा वेव्स, बहुत ज़्यादा टाइड्स बन जाती हैं जो बहुत ज़्यादा उछाल मारती हैं। ये चंद्र का धरती के नज़दीक आने का तांडव होता है। और जब ये नज़दीक आता है तो ऐसे लोग जिनका चंद्र पहले ही पीड़ित है, चाहे वो बुध से पीड़ित है, चाहे वो केतु से पीड़ित है, चाहे वो राहु से पीड़ित है, चाहे वो शनि से पीड़ित है, किसी से भी पीड़ित है, ऐसे लोग और ज़्यादा अनस्टेबल हो जाते हैं। मन उदास रहना शुरू हो जाएगा आपका, अकेले अकेले रहने का मन करेगा कि मुझे कोई बुलाए ना, कोई डिस्टर्ब ना करे। आप कम बोलना शुरू कर देंगे, आप कटना शुरू हो जाएंगे समाज से, अपने घर वालों से कटना शुरू हो जाएंगे। दरवाजे में आप दरवाज़ा बंद करके कमरे में अपने आपको बंद कर लेंगे क्योंकि चंद्रमा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा होता है। ऐसे लोगों को मैं क्या साइंस ल्यूनेटिक कहती है। ल्यूनेटिक पेशेंट्स होते हैं जिनको ये, क्योंकि ये ल्यूनर बॉडी है जो आपको तंग कर रही है, और ल्यूनेटिक वो होते हैं जिनको चंद्रमा की वजह से जो लोग पीड़ित होते हैं। तो ऐसे में चंद्रमा के उपाय बहुत ज़रूरी होते हैं। अब मैंने आपको इतना एक्सप्लेन करके बताया, इसके साथ साथ मैं आपको, क्योंकि मैं ना भूल जाऊं, आपको एक उपाय बता दूं। जो आपके घर में ऐसे पेशेंट्स हैं, अगर आपने कुंडली खोली है, चेक की है, अगर आपको लगता है, तो एक आपको जनरल रेमेडी में बता देता हूं, वो आप कर लिया कीजिए। जब भी पूर्णमासी हो, ऐसा पेशेंट, ऐसा जो ल्यूनेटिक है जिसको ये चंद्र को लेकर ट्रबल है, वो पूर्णमासी के चंद्रमा को 2-4-5 मिनट के लिए वॉच करे, देखे, आई कॉन्टैक्ट बनाए। जब आप आई कॉन्टैक्ट बनाना शुरू करेंगे पूर्णमासी के चंद्रमा से, आपको खुद महसूस होगा कि नाउ आपका जो दिमाग है वो थोड़ा शांत हो रहा है, थोड़ा सा इसको पीस मिल रहा है, आप थोड़े से रिलैक्स्ड हो रहे हैं। ये एक बहुत ही कारगर रेमेडी है जो हमारे शास्त्रों में बहुत देर पहले बता दी गई थी। चंद्रमा को, क्योंकि कहते हैं कि डायमंड कट्स डायमंड, लोहा लोहे को काटता है, और आपने किसी चीज़ को काटना है तो उसका ही औजार बना के उसको काटिए। चंद्रमा खराब है तो चंद्रमा का सहारा ले लीजिए। दूसरा उपाय बड़ा सिंपल है, बहुत ही इफेक्टिव है। अगर आपके मदर हैं, उनसे चांदी की डिब्बी में थोड़े से चावल बना के डाल के, उसके अंदर कच्चे चावल डाल के आप उनसे एज ए गिफ्ट ले लीजिए, आपके लिए बहुत काम करेगा। ये भी नहीं कर सकते तो चांदी की चेन अपने मदर के, अपनी माँ के हाथ से आप डाल लीजिए, क्योंकि चंद्रमा आपकी माँ है। ज्योतिष में चंद्रमा को मदर का दर्जा दिया गया है, चौथे घर में को माँ का दर्जा दिया गया है, और चंद्रमा से माँ देखी जाती हैं। तो अगर ऐसी पोजीशन है तो आप अपने मदर से ये 2-3 चीज़ें ले सकते हैं, चंद्र आपका जो है वो स्टेबल हो जाएगा, वो आपको तंग करना बंद कर दे। देखिए, जब आपका माइंड स्ट्रांग हो जाता है, आप बड़ी से बड़ी चुनौती को आप फेस कर जाते हैं। लेकिन ये भी बताइए कि जिनके पास माँ का सुख नहीं है अभी, जी, तो उनके लिए क्या ऑल्टरनेटिव है? जरूर मैं ये बताऊंगा आपको। और जिनका चंद्रमा वीक होता है, वो छोटी सी प्रॉब्लम से बड़ी जल्दी घबरा जाते हैं। आप खुद आगे कहते हैं, सर इसकी विल पावर बिल्कुल जीरो है, विल पावर नहीं है, चीज़ों से घबरा जाता है, कंपटीशन से घबरा जाता है। स्क्रीन के आगे खड़ा कर दो इसको तो ये बोल नहीं पाता, माइक इसके सामने आ जाए तो ये बोल नहीं सकता, स्टेज पे खड़ा कर दो इसको, मैं प्रेपरेशन करके इसको बच्चे को भेजा था, जैसे ही माइक सामने आया और ये स्टेज पे आया तो इसका वो इसका कॉन्फिडेंस लूज हो गया, और ये जो बोलना चाहता था वो बोल के नहीं आया, और स्टेज से वैसे ही उतर के नीचे आ गया। ये चंद्रमा आपका कमज़ोर होने की निशानी होती है। एडवांस एस्ट्रोलॉजी कहती है कि अगर चंद्रमा आपने ठीक करना है तो उसकी डिग्री चेक कीजिए। डिग्री कोई चेक नहीं कर रहा। लोग ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं कुंडली देखने के लिए जिसमें डिग्री आती ही नहीं है। मैं डिग्रीज हमेशा देखता हूँ क्योंकि एडवांस एस्ट्रोलॉजी में डिग्री देखना बहुत ज़रूरी है कि किस अवस्था में प्लैनेट पड़ा हुआ है, उस अवस्था का इलाज करना होता है। तो आपने पुनीत जी ने कहा कि अगर जिनकी मदर नहीं है वो क्या करें, वो एक छोटा सा उपाय करें, चांदी की डिब्बी लीजिए, चावल डालिए, मदर नहीं है किसी वजह से, वो देहांत हो चुका हुआ उनका, आपके पास नहीं रहते, अगर पास नहीं रहते तो भी आप मंगवा सकते हैं, अगर नहीं है, माँ है ही नहीं है, तो उस केस में आप एक चांदी की डिब्बी लीजिए, चावल लीजिए, पूर्णमासी की रात को वो अपने मदर के फोटो के पास रख दीजिए, नेक्स्ट डे उसको उठा के, यानी कि मंगलवार को उसको उठा के आप अपने अंदर अलमीरा के अंदर उसको रख लीजिए। ये आपके लिए उसी तरह काम करेगा जैसे मैंने आपको लाइव बताया, आप मदर से लेके कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डिप्रेशन से डील करने के लिए चीज़ें होती हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमें कोई दिक्कत है और डिप्रेशन हमें हो ही जा रहा है,
ऑफ कोर्स सिचुएशंस होती हैं, ऐसी हालात होते हैं जो हमें ऐसा बना देते हैं। कोई भी इंसान दुखी रहना नहीं चाहता होता, लेकिन जो हालात हैं, बात यह है डिप्रेशन क्या है, हम कैसे डील कर रहे हैं उनसे, और अगर हम वैसे डील नहीं कर पा रहे जैसे हमें करना चाहिए या हम पे वो हालात हावी हो गए हैं तो हम डिप्रेशन में आ गए हैं। और ये आजकल इतना ज़्यादा आम है कि डिप्रेशन को तो बीमारी भी कहा जाना बंद हो गया है, ये किसको बीमारी भी कहना बंद हो गए हैं, ये तो एक बहुत आम सी बात हो गई है जो हर किसी में अमूमन किसी ना किसी स्टेज पर पाई ही जाती है। तो इसके साथ डील कीजिए, अच्छे से डील कीजिए, उपाय हैं, उपाय कीजिए। और साथ के साथ आपको इतना ज़रूर बता दें कि हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद इतना ही है, सुनील जी का मकसद यही है कि जो परेशानी है उसकी जड़ तक जाया जाए। जड़ तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उपाय देने को यहाँ पे आपको 20 उपाय दिए जा सकते हैं, एक एपिसोड उपाय के ऊपर हम कर सकते हैं, लेकिन आपकी कुंडली देखनी पड़ेगी। और जब तक कुंडली दिखेगी नहीं तब तक ये उपाय जो हैं आपके हिसाब से आपको नहीं दिए जा सकते। हाँ, अगर कोई जेनरिक उपाय है जो हर कोई कर सकता है वो तो आपको प्रोग्राम के एंड में बता ही देते हैं, प्रोग्राम के बीच में भी आपको एक दो ऐसे उपाय बता देते हैं, लेकिन आपकी कुंडली देखे जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा सवाल, डिप्रेशन की हमने बात की है, इस पर करेंगे और बात करेंगे। लाल किताब जो है, मैं बहुत बार सवाल पूछती हूँ सुनील जी से, वो अवॉइड कर देते हैं, मतलब वो या मानते नहीं हैं या उनके लिए एग्जिस्ट नहीं करती है, ये क्या सिस्टम है, वो उपाय नहीं देते हैं लाल किताब के, जबकि बहुत सारे ज्योतिषी जो हैं वो चलते ही लाल किताब पे हैं। तो इसके बाद भी करनी है, मैंने ये भी सुना हुआ है कि लाल किताब के जो उपाय हैं वो बहुत जल्दी वर्क करते हैं, जितने वैदिक एस्ट्रोलॉजी के नहीं करते। पूछेंगे, जरूर पूछेंगे, गुड लक रिपोर्ट पर भी बात करेंगे, टिप भी अभी बाकी है, टिप भी बाकी है, मुझे टिप नहीं भूलती है। तो ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। गुड लक रिपोर्ट, द एस्ट्रोलॉजिकल डायग्नोज ऑफ योर बर्थ चार्ट। आपकी जन्म तारीख के आधार पर गहन शोध करने के बाद बड़ी बारीकी से तैयार की जाती है। इस रिपोर्ट में ग्रहों के आधार पर आपकी किस्मत में उत्पन्न होने वाली तमाम घटनाएं, जैसे जमीन जायदाद का सुख, पैतृक संपत्ति का सुख, सुख सुविधा, ऐशो आराम, वाहन सुख, शादी का सुख, लव मैरिज, अरेंज मैरिज, जीवन साथी की नेचर, जीवन साथी की दिशा, संतान सुख, पैसा, कर्जा, दुख तकलीफ, आपके दुश्मन, आपकी एजुकेशन, कौन सा प्रोफेशन चुने जो देगा आपको जीवन में सफलता, कुछ ऐसे योग जो आपको आज तक किसी ने नहीं बताए होंगे, आपके लिए कौन सा दान जरूरी है, कौन सा ऐसा दोष लगा है आपकी कुंडली में जिसकी वजह से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, कौन सा ऐसा सटीक उपाय है जो देगा आपकी परेशानी का हल। सो उठाइए फोन, बुलाइए अपनी गुड लक को अपने घर। अपनी गुड लक रिपोर्ट बनवाने के लिए इस नंबर पे अपनी बर्थ डिटेल नोट करवाएं। सहयोग मूल्य केवल 2,500 रुपए, ये राशि आपको रिपोर्ट मिलने पे देनी होगी। हमारा नंबर है 9779142142। यदि आप किसी तरह की तकलीफ से गुजर रहे हैं तो आज ही अपनी गुड लक रिपोर्ट जरूर बनवाएं। रिपोर्ट बनवाते समय आप अपना कोई एक जरूरी सवाल साथ में लिखवाएं, जिसका उत्तर उपाय सहित आपको रिपोर्ट के साथ दिया जाएगा, या कोई भी एक प्रश्न जो इस वक्त आपको परेशान कर रहा है। गुड लक रिपोर्ट बनवाने के लिए हमारा नंबर है 09779142142। ब्रेक के बाद आपका स्वागत करते हैं, आप देख रहे हैं एस्ट्रो ओपीडी, और इसी प्रोग्राम में हम आपके साथ जुड़े हुए हैं सिर्फ इस वजह से कि हम चाहते हैं कि आप स्ट्रेस नहीं लें, और अगर स्ट्रेस है तो सीधे सीधे भाग कर आइए। सुनील जी के पास नहीं आना, कोई बात नहीं, किसी और अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, कहीं भी जाइए, लेकिन ठीक होने के लिए। दुकानों पे मत जाइए, दुकानों पे बिल्कुल मत जाइए, जिस पे विश्वास है उसके पास आइए। मैंने लाल किताब की बात की थी, लाल किताब के बारे में मैंने आपसे कुछ दिन पहले कोई क्वेश्चन पूछा था तो आपने थोड़ा टाल सा दिया उसको, या तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अवॉइड करते हैं उसके बारे में बात करना, या मुझे लगता है कि आप उसके उपाय इस वजह से नहीं देते हैं कि आपको कोई नाराजगी लाल किताब से, या मुझे ऐसे लगता है कि आपकी जो आपका नजरिया है ज्योतिष को लेके वो थोड़ा अलग है। देखिए पुनी जी, जो दरअसल क्या है, मैं आपको आज बता देता हूँ, आपने एक बड़ा दुखती रख पे हाथ रख दिया आज। दरअसल क्या है कि जब तक मैं, मेरा मेरा बड़ा कॉन्सेप्ट, क्लियर सा कॉन्सेप्ट है, जब तक लॉजिक क्लियर ना हो कुछ ना करो। बीइंग एजुकेटेड पर्सन, मैं लॉजिक पे चलता हूँ, और ये हमारा एस्ट्रो ओपीडी का मेन कोर है, जो हम शुरू से ही लॉजिक्स पे बात करते आए हैं। हमने कोई उलझाया नहीं लोगों को कि राहु केतु ऐसे हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ना डराया ना धमकाया, कुछ नहीं किया, क्योंकि आप कंसल्टेंट हो, आपका मतलब काम है
लोगों की हेल्प करना और कंसल्ट करके लोगों को उसका इलाज देना। हम कुछ नहीं, कुछ ऐसा काम नहीं करते जो लोगों को डराए। मैंने आज तक कभी नहीं किया, जिंदगी में कभी नहीं किया। जो लोग मिलते हैं उनको पता है कि मेरा कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर होता है, मैं प्रॉब्लम का हल बताता हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ, मैं लोगों को पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहा हूँ करता हूँ। दरअसल क्या हुआ, कुछ सालों में लाल किताब के नाम से लोगों ने बहुत ठगियाँ की, बहुत ज़्यादा लोगों को ठगा। और ये मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, अब भली भांति जानते हैं जो लोग ठगते हैं लाल किताब के नाम पे। लोग बड़े बड़े अपने एड्स चलाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ये हो जाएगा, वो हम वो कर देंगे। लाल किताब देखिए, विद्या कोई गलत नहीं है, कोई एजुकेशन गलत नहीं है, सब बिल्कुल ठीक है। इसको यूज़ करने वाला मैनिपुलेट कर देता है, इसको यूज़ करने वाला गलत कर देता है। थोड़ी सी अगर आपने लाल किताब पढ़ ली, लाल किताब पढ़ के आपने लोगों को बताना शुरू कर दिया, तो आप खुद को भगवान समझने बैठ जाएं, तो वो गलत है। अब ठगी क्यों हो गई, वो कैसे हुई, वो तो आप जानते हैं। लेकिन लाल किताब को मैं कम क्यों मानता हूँ, क्योंकि इसमें कुछ उपाय ऐसे बताए जाते हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं, जो मैंने पढ़ी थी, मेरे को अच्छी नहीं लगी, मेरे को ठीक नहीं लगी। समाज में अगर आप आए हैं तो आपको किसी की मदद करनी पड़ेगी। एक बार मैं क्योंकि किताबें मैंने काफ़ी पढ़ी हैं, मैंने लाल किताब पढ़ी है, काली किताब पढ़ी, सभी किताबें मैंने पढ़ी हैं। उसमें एक चीज़ मैंने देखी कि उसमें लिखा हुआ था कि आप पानी का कभी कोई सोर्स ना लगाएं। किसी के लोगों को इंस्ट्रक्शन दी जाती है पानी का सोर्स ना लगाएं। अगर किसी को प्यास लगी है तो आप पानी मत पिलाएं। अगर आप उसको पानी मिलाएंगे तो आप रोटी से आतर हो जाएंगे, आपको रोटी नहीं मिलेगी। आप मंदिरों में प्याऊ मत लगवाएं, जो पानी के सोर्सेज लगाए जाते हैं वो मत लगाएं। किसी की हेल्प मत करें, पैसा दान ना करें। ये किसी किसी पे इम्प्लीमेंट होता है, सभी पे नहीं होता, और लाल किताब ने सभी पे इम्प्लीमेंट कर दिया। जोत ना जलाएं, तुलसी ना रखें, ऐसा नहीं हो सकता। हम जिस समाज के साथ जुड़े हुए हैं, आज हमारा भारत मशहूर क्यों है, आज बाहर के लोग यहाँ, अंग्रेज जो बाहर अंग्रेज बैठे हुए हैं, भारत में क्या ढूंढने आ रहे हैं, वो शांति ढूंढने आ रहे हैं। क्योंकि हमारा समाज, हमारे भारत में ही ऐसी जगह, हमारा भारत एक ऐसा है जहाँ पे शांति है, यहाँ पे शास्त्रों को नमन किया जाता है, और जहाँ पे जोत जलाई जाती है, भगवान का नाम लिया जाता है। ये शांति ढूंढने के लिए अंग्रेज यहाँ पे आए हैं। और आज हम कई लाल किताब के ज्योतिषी जो हैं वो कहते हैं जोत मत जलाओ, आप तुलसी मत रखो घर में, जो मैं इसके अगेंस्ट हूँ, क्योंकि शास्त्रों ने कभी ऐसा नहीं कहा। शास्त्रों ने हमेशा धार्मिक, अपने धर्म को, कोई भी धर्म है उसको ऊँचा उठाया है। जोत जलानी चाहिए, तुलसी रखनी चाहिए, किसी नीडी की हेल्प करनी चाहिए। पैसा अगर पैसे की हेल्प कर सकते हैं, पैसे की करनी चाहिए। अगर कहीं आपको लगता है कि यहाँ पे लोगों का आना जाना बहुत है, गर्मी है, आना जाना बहुत है, यहाँ अगर एक पानी का सोर्स लगा दिया जाएगा तो लोगों को वहाँ से राहत मिलेगी, तो वहाँ लगा देना चाहिए। यहाँ कुछ चीज़ें हैं जो मैं ये नहीं कहता कि मैं लाल किताब के उपाय नहीं देता, बट मैं देता हूँ जो सभी के लिए फ़ायदेमंद हो, जिसमें समाज की भलाई हो। मैं 10-20% इसको यूज़ करता हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं करता। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, पुनीत जी आपने कहा कि इसके उपाय बड़ी जल्दी वर्क करते हैं। जो चीज़ बहुत जल्दी होती है, वो जो ऊपर जल्दी चढ़ती है, वो जल्दी उतरती भी है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में लॉन्ग लास्टिंग उपाय होते हैं, थोड़ा सा असर लेट होता है, लेकिन उसका रिजल्ट बहुत देर तक रहता है, इसका इम्पैक्ट बड़ा देर तक रहता है और थ्रू आउट लाइफ रहता है। अगर मैंने आपको एक रेमेडी बता दी वैदिक की कि आप ये उपाय कीजिएगा, वो उपाय आपको आपके एंड तक काम आएगा, आपकी ज़िंदगी आखिरी सांस तक काम आएगा। आज आपने कोई उपाय किया लाल किताब का, आज उसका रिजल्ट आया, कल वो ख़त्म है। थोड़ा सा मैं इसकी वजह से थोड़ा सा अनोयड हूँ। एक मैं छोटी सी आपको यहाँ पे आप कहानी समझ लीजिए, मैं सुनाऊंगा आपको कि लाल किताब वालों ने मिसगाइड कैसे किया और आप मिसगाइड कैसे हो गए। एक बार एक गांव में एक बहुत बड़ा सेठ था, बहुत नाम था, बहुत पैसा था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, और सब कुछ, हर तरह की फैसिलिटी उसके घर के अंदर थी, रादर उसके बंगले के अंदर थी। उसको एक बार आँखों की इन्फेक्शन हो गई, आँखों में प्रॉब्लम आ गई उसके, उसको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने लग गई और आँखें उसकी जलानी शुरू हो गई। उसने काफ़ी डॉक्टर से कंसल्ट किया, डॉक्टर ने काफ़ी इलाज बताए। एक उसको डॉक्टर ऐसा मिला जिसने उसको कहा, जिसको जो समझदार तो था लेकिन समझ आधी रखता था, उसने क्या किया, उस सेठ को बोला कि सेठ जी आपकी, आपको कुछ दिन, आपको 40-50 दिन आपको सिर्फ हरा रंग ही देखना है। अगर आप कोई और रंग देखेंगे तो आपकी आंखों में इरिटेशन होगी, क्योंकि ये इन्फेक्शन है, ये इरिटेशन होगी और आपको बहुत, आपकी आंखों में बहुत तकलीफ होगी, तो आप कृपा करके हरे रंग की चीज़ों को ही देखिएगा और कोई चीज़ मत देखिएगा। अब सेठ के पास पैसा, बहुत ज़्यादा पैसा, गांव का बहुत बड़ा वो सेठ, अब उसने क्या किया, हर चीज़ को हरे रंग में रंगवाना शुरू कर दिया। बट ये पॉसिबल नहीं है, कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ छोड़ दोगे। हर गली को हरे रंग का पेंट करवा दिया, हर घर को हरे रंग का पेंट करवा दिया, जहाँ से वो गुजरता उस चीज़ को पेंट करवा देता, उसने अपना सारा एनवायरनमेंट जो था, आस पड़ोस था, वो सारा का सारा हरा रंगवा लिया। अब हुआ क्या, अब कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी छूट जाती थी जो जिस पर हरा रंग नहीं लगा हुआ था, नहीं हो सकता था। तो क्या हुआ, वो एक कोई एक बहुत समझदार इंसान
उसके गांव में आया, उसने देखा ये सारा का सारा गांव ही हरे रंग का पेंट किया हुआ है, सारा का सारा गांव ही हरे रंग का ग्रीनरी में ये पेंटेड है। तो उसने इसका कारण पूछा, फिर किसी ने उसको बताया कि ऐसे ऐसे सेठ है, उसकी आंखों में इन्फेक्शन हो गई थी, उसको डॉक्टर ने कहा कि आपको सारा हरा हरा देखना है। तो वो उस सेठ को जाके मिला, सेठ जी को उसने एक बात बोली और सेठ जी वहाँ के वहाँ ही सन रह गए कि ये क्या बोल दिया इसने। कहता सेठ जी आपने इतना पैसा लगा दिया, हालांकि आपके पास बहुत पैसा है, कोई कमी नहीं है, आपके पास इतना पैसा है, सब कुछ आपने करके हरा करवा दिया, अगर आप एक छोटा सा एक चश्मा हरे रंग का लगा लेते तो आपको सारा कुछ हरा दिखता। बात सिर्फ इतनी सी है, सिर्फ इतनी सी है, आपको गाइड करने वाला कितनी महारत रखता है। अगर वो महारत रखता है तो वो आपको हरे रंग का चश्मा डलवा देगा, वरना आपको सारा गांव हरे रंग का पेंट करने का बोल देगा और आप वो सारा गांव हरे रंग का पेंट करेंगे। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, शायद आप समझदार हैं, बहुत ज़्यादा आप समझ रहे होंगे कि गाइडेंस जो है ना वो आपको किसी अच्छे कंसल्टेंट से लेनी चाहिए, जहाँ पे आपको लगे कि ये लॉजिकल है, यहाँ पे कुछ हो सकता है, वहाँ जाना, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो एडवोकेट है, कुछ भी है, लेकिन कम से कम वो ठगी मारने वाला नहीं होना चाहिए कि पैसा भी ले लिया और आपको कह दिया कि आप ये कराओ वो कराओ, 40 दिन नहर पे जाओ, वहां जाके ये फेंक के आओ, ये पॉसिबल नहीं है आज की डेट में, किसी के पास इतना टाइम नहीं। तो आज की डेट में मुझे लगता है कि इससे ज्यादा लॉजिकल एग्जांपल और नहीं हो सकती थी। हम इस शो में इसी वजह से बैठे हैं ताकि आसपास की बातों को आपके तक पहुंचा सकें, सही गाइडेंस की इन्होंने बात की तो सही गाइडेंस जो है वो आप तक पहुंच सके। गुड लक रिपोर्ट की बात कर लेते हैं, ये भी इंतजार में है गुड लक रिपोर्ट की, आज इनका नाम आया है, सार्थक भसीन है, ये गुरुग्राम में रहते हैं। सर जी रिस्पेक्ट यू, योर नॉलेज अलॉट, मैं मतलब कह रहे हैं रिस्पेक्ट करते हैं नॉलेज की सुनील जी की, कह रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से मैं आपका प्रोग्राम देखता हूँ और मैं काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हूँ। तो मेल आई है एक, ये है सार्थक भसीन है, गुरुग्राम से हैं, लिख रहे हैं कि सर जी आई रिस्पेक्ट यू एंड योर नॉलेज अलॉट, और कह रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ एंड आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। तो फिर उसके बाद कहते हैं ये कि आपकी बातें जो हैं बहुत लॉजिकल हैं, आप ऐसे ही कहीं से भी बातें उठा के नहीं रख देते, आपकी बातें बहुत लॉजिकल हैं और साथ में ही आप लोगों को बहुत अच्छा ज्ञान दे रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं। कह रहे हैं कि वैसे मैं संतुष्ट हूँ, खुश हूँ, कॉल सेंटर में काम करता हूँ, सीनियर मैनेजर हूँ, लेकिन एक दिक्कत जो है वेल सेटल्ड होने के बाद भी मुझे आ रही है कि मुझे रात को नींद नहीं आती और डर लगता है। ये मुझे लगता है कि ये भी स्ट्रेस के साथ ही कुछ जुड़ी हुई बात है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप जी। ये आपकी जो सार्थक नाम बताया, सार्थक जी नमस्कार, आपने जो आपने डेट ऑफ बर्थ मुझे भेजी है, मैंने चेक करा है, जो इसको डायग्नोस किया है, प्रॉब्लम्स इसमें बहुत है, लेकिन आपकी प्रॉब्लम को मैं छोटा सा आपको हल दे दूँ, कभी मिलेगा आपको डिटेल में और भी दूंगा, लेकिन इससे आपको कम से कम रिलीफ मिल जाएगा, आपको ये विश्वास हो जाएगा कि वाकई एस्ट्रोलॉजी कोई चीज़ है, इसमें वाकई कुछ उपाय होते हैं, काम करते हैं आपको और आप दुनिया जो जितने भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं, दुनिया के कितने भी कोने में जहाँ जहाँ ये शो चल रहा है, ये सभी के लिए उपाय है जिनको रात को डर लगता है। वो ये है, आप जब सोते हैं रात को हनुमान चालीसा, आप जिस भी धर्म को मानते हैं, जिस भी धर्म को मानते हैं, ये सभी कर सकते हैं। हनुमान चालीसा अगर आपको आता है ठीक है, नहीं आता तो आप चाहे अपने मोबाइल पर ही लगा लीजिए या रिकॉर्डिंग करके रख लीजिए, सोते जब आपको लगे कि अब नींद आनी शुरू हो गई है, सोने का टाइम आ गया, हनुमान चालीसा लगा दीजिए, इसको कंप्लीट होने दीजिए, फिर सोइए। नंबर टू, नंबर दो ये है, जो आप सिराना लेते हैं ये ज़्यादा ऊंचा नहीं होना चाहिए, इसकी हाइट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये पतला सिराना होना चाहिए, इससे आपका, क्योंकि सिराना भी आपका राहु है, इससे आपको नींद अच्छी आएगी। नंबर थ्री, फेसिंग जो आपका सिर का जो साइड होती है, ये नॉर्थ में नहीं होनी चाहिए, हालांकि कई लोग बोलते हैं नॉर्थ एक्सटेंशन का घर है, लेकिन नॉर्थ में, जब छोटा सा लॉजिक है, जब कोई डेड बॉडी, जब किसी को की डेथ हो जाती है, घर में रखा जाता है, तो उसका सिर जो होता है वो नॉर्थ की तरफ रखा जाता है और जब पाँव होते हैं वो साउथ की तरफ रखे जाते हैं, तो जब आप सोते हैं तो आप नॉर्थ की तरफ सिर मत रखिए, सिर अपना ईस्ट की तरफ रखिए, तीनों डायरेक्शन यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्थ को अवॉइड कीजिए, मैक्सिमम अवॉइड कीजिए। और नंबर चार, जिससे आपका डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा, लाल एक कपड़ा लीजिएगा, लाल कपड़े में सौंफ भर के उस सिराने के अंदर डाल के सी दीजिए और वही सिराना आप यूज कीजिएगा, आपको ये रात का जो डर लगता है ये बंद हो जाएगा। डर क्यों लगता है? राहु की वजह से लगता है, राहु ही आपको उल्टे सीधे सपने दिलाते हैं, राहु ही आपको सपने में नींद खुलवा देते हैं, इसमें केतु भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, लेकिन जो मैंने आपको उपाय बताया है ये राहु को ठीक करने वाला उपाय है। लाल कपड़े में सौंफ डाल के, ग्रीन कलर की सौंफ हो, दिन कोई भी हो वो ओपन आपके लिए, ये आपने उसमें डाल के, उस पिलो के अंदर डाल के रख दीजिए,
जब पिलो चेंज करना हो आपको, तो वो आप सौंफ निकाल के उस पिलो में शिफ्ट कर दीजिए जहां आप सो रहे हैं। ये चार चीजें अगर आपने कर ली तो यकीन मानेगा आपका डर लगना रात को ये बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसके साथ है उसको बहुत तकलीफ देती है। तो ये उपाय आप कीजिएगा, आपको ये डर लगने वाली सिचुएशन जो है आपकी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। मतलब बात ही ऐसी सी है कि कोई इतना वेल सेटल्ड हो, इतना अच्छा कमा रहा हो और एक जो दिक्कत है उसने पूरी जिंदगी को घुमा के रखा। पुनीत जी ऐसे बहुत केसेस हैं मेरे पास, बड़े लोग हैं ऐसे जो बहुत वेल सेटल्ड हैं, कुछ कमी नहीं है जिंदगी में, कोई पैसे की कमी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, ऐसी टेंशन नहीं है कि मुझे सुबह जाना है, मुझे पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं कमा के लेके आऊंगा नहीं लेके आऊंगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक फोबिया, जब राहु का पीरियड चलता है तो आपको ना कुछ एहसास होता है कि कुछ है, मेरे रूम में कुछ है, मेरे को कुछ दिख रहा है, मेरे साथ लगता है कुछ कोई एनर्जी है जो मेरे साथ खड़ी है। लेकिन वो क्या होता है, क्योंकि राहु जो है दैट इज अ स्मोक, ये स्मोक है, ये वो धुआं है जो सिर्फ धुआं है, इसके वजूद कुछ नहीं है। हाथ मारेंगे उसके बीच में तो हाथ आपका कट के निकल नीचे आ जाएगा, लेकिन वो धुआं साइड पे नहीं हटेगा, वो धुआं वहां का वहां ही रहेगा। तो आप इस चीज को समझिए, ये वो चीज है जो दिखती नहीं है लेकिन एहसास इसका बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहता है, ये राहु है। तो ये उपाय कीजिएगा, बहुत फर्क पड़ेगा। तो आज की टिप क्या कहती है? टिप तो मैंने वैसे दे ही दिया, लेकिन अगर आप टिप मांगना ही चाह रहे हैं तो मैं टिप जरूर दे देता हूँ, अपना हमें अपनी परंपरा जो है खराब नहीं करनी है। आज का टिप मैं उस हर घर के लिए देने जा रहा हूँ जिसके घर में बीमारियां बहुत रहती हैं, या जिनके घर में ऐसी सिचुएशन बनी है, जिनके घर में ल्यूनेटिक पेशेंट्स हैं, सभी के लिए एक चीज याद रखिएगा, और ये जितने लोग सुन रहे हैं ये आप भी कीजिएगा, आपके जो वेल आपके जो प्रिय हैं उनको भी आप बताइएगा, जो आपके बहुत अजीज हैं उनको बता दीजिएगा। संध्या का टाइम जो होता है, जो सूर्य ढलने का टाइम होता है, इस टाइम पे आपके घर में कोई बेड पे लेटा हुआ ना हो, अगर पेशेंट है तो उसको सहारा देके थोड़ा सा उठा के बिठा दीजिए। संध्या के टाइम पे आपके घर में, किसी के भी घर में कोई इंसान लेटा हुआ नहीं होना चाहिए, ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बीमारियां, बहुत सारी तकलीफें आपके घर से निकल जाएंगी अगर आपने ये असूल आपने जिंदगी में बना लिया। संध्या के टाइम पे जो भी इंसान लेटा हुआ होता है उसको उठा के थोड़ा सा बिठा दीजिए, पेशेंट नहीं उठ सकते, थोड़ी सी सपोर्ट देके उनको थोड़ी देर के लिए बिठा दीजिए, लेकिन लेटना संध्या के टाइम पे बहुत ही, शास्त्र कहते हैं कि बहुत ही गलत है। ये टिप हर एक घर के लिए है, हर इंसान के ऊपर अप्लाई होता है और हर एक के लिए ये फायदेमंद। तो फ़ायदा कैसे हो आपका, इस बात का ध्यान हम रखते हैं, इस बात का ध्यान जो है वो एस्ट्रो ओपीडी रखता है। आपका विश्वास जो है वो लगातार बढ़ रहा है, आपकी रिपोर्ट्स के लिए ईमेल्स जो हैं, गुड लक रिपोर्ट्स के लिए ईमेल्स, वो लगातार बढ़ती जा रही हैं, इससे खुशी होती है। और जैसे सुनील जी कहते हैं कि इनका परिवार जो है वो बहुत बड़ा होता जा रहा है, तो बस दुआ यही कि आपका विश्वास, आपका प्यार बना रहे, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।